वो अदाए दिलवरी हो के नवाए आशिकाना, जो दिलों को फतह कर ले वही फातह जमाना। मेरे हम सफीर बुलबुल मेरा तेरा साथ ही क्या, मैं दवाए दस्तो दरिया तू असीरे आशियाना। तेरे दिल के टूटने से कि है किसी को नाज क्या क्या, तुझे ऐ जिगर मुबारक शिकस्त फातेहाना। आप समझ लें कि आप शायरी सुन रहे हैं, केवल उन्होंने कुछ नहीं, शायरी के अलावे कुछ नहीं पढ़ा, शायरी सुन रहे हैं। और मैं आपकी मिट्टी को सलाम करता हूं, आपकी जौके समात को सलाम करता हूं कि आप कितना बढ़िया सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं कि बलिया ददरी के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां। अच्छा, इसी जौके समात को आपको कायम रखना है, नहीं तो फिर ये चुटकुले वाले, फिर ये वाले, फिर वो वाले, यहाँ गए तो यहाँ किए तो वहाँ गए तो इससे मुलाकात हुई, ये सब उसके बाद शायरी खत्म हो जाएगी। शायरी को आपको जिंदा रखना है। हुस्न के सर से आंचल ढलका, हुस्न के सर से आंचल ढलका, हो गया मतलब मेरी गजल का। अरे एक बार तालियां बजाइए, तालियां बजे। मैं चाहता हूं कि एकदम बिल्कुल शकील आजमी साहब को सुनने का मिजाज आपका बन जाए। हुस्न के सर से आंचल ढलका, हो गया मतलब मेरी गजल का, प्यास बुझा लो ऐ मैं खारो उसकी नजर का सागर छलका। और बेखुद कर दे साकी लेकिन होश भी हो कुछ हल्का हल्का, बेखुद कर दे साकी लेकिन होश भी हो कुछ हल्का हल्का। एक मुफलिस शायर के आगे जिक्र न छेड़ो ताज महल का। मैं समझ गया कि शकील आजमी साहब को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ शकील आजमी साहब, सदरे मोहतरम। मंच तो सदर का ही होता है, नाजिम तो नुमाइंदा बन के काम करता है, सदर का ही मंच होता है। जोरदार तालियों के साथ शकील आजमी साहब। उर्दू शायरी का अगर आप सर्वे करें, उसका जायजा लें, तो 80% 90% शायरी इश्किया होगी, क्योंकि इश्क जो मौजू है वो कभी पुराना नहीं होता। मैंने जब पहली बार मोहब्बत की थी तो मैंने कहा था कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, आज मुझे ये जुमला पुराना लग सकता है, लेकिन ये जो नए बच्चे हैं इनके लिए आज भी वो नया है। तरक्की पसंद अदबी तहरीक में जब कैफी आजमी, सरदार जाफरी, अली सरदार जाफरी, कैफी आजमी और साहिर लुधियानवी दबे कुचले लोगों पर ज़्यादा लिख रहे थे, तो वहीं फैज़ निदा फाजली साहब तो बाद में गए, वो जदीदियत में थे, वो तरक्की पसंदों में नहीं थे। फैज़ अहमद फैज़, जानिसार अख्तर और मजरू सुल्तानपुरी वगैरह इश्क पर ज़्यादा लिख रहे थे, लेकिन फैज़ साहब ने ये भी कहा था, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। वाह, तो मैं मसाइल का भी शायर हूँ, इश्क भी करता हूँ, लेकिन मसाइल पर भी मेरी शायरी है। मैं मतलब पढ़ता हूँ गजल का, बहुत अच्छा सुन रहे थे आप, हो सकता है कि कहीं आपकी तशनगी रह गई थी, कहीं आपकी भूख रह गई थी, कोशिश करूँगा कि वहाँ तक पहुँचूँ। मैं गजल का मतलब मुलाहिजा करें। दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, वाह। दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे, वाह। बहुत शुक्रिया नवाज़। दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे।
और ये शेर जो पढ़ने जा रहा हूँ ज़रा सा पीछे जाएंगे तो ये शेर खुलेगा। अच्छी शायरी इशारे में बात करती है। अच्छी शायरी के पहाड़े में दो दुनी चार नहीं होते, दो दुनी पांच होते हैं। वाह। दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती हैं। सुनिएगा शेर, पहुंच रहे हैं आप। नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती हैं, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे। वाह 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 वाह, बहुत नायक, बहुत शुक्रिया। नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती हैं। नदियां लाशों को पानी में, थोड़ी मर्दाना शायरी भी हो जाए, आगे फिर जनाना शायरी होगी। नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती हैं, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे। और ये शेर भी पहुंचेंगे आप, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे। चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए कोई, सुन के बताइएगा शेर, चाहे कितनी भी, चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए कोई, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। वाह 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 वाह, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे, बहुत नवाजिश। चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए कोई, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। और मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत बलिया मेरी जान, बहुत शुक्रिया। चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए कोई, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ, मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ, आए ना आए पुकारे तो सभी जाएंगे। वाह 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 वाह, बुलाती हैं भलाई, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज, आए ना बहुत आए पुकारे तो सभी जाएंगे, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज। मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ, आए ना आए पुकारे तो सभी जाएं। कहीं दादी कहीं नानी से अलग कर दिए। सुनिएगा दूसरी गजल का मतलब। कहीं दादी कहीं नानी से अलग कर दिए गए, बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए। वाह। कहीं दादी कहीं नानी से अलग कर दिए गए, बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए। कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया गया। बहुत शुक्रिया। कच्ची उम्रों में, कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया गया, हम वो बच्चे जो जवानी से अलग कर दिए गए। वाह 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 वाह। कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया गया, हम वो बच्चे जो जवानी से अलग कर दिए गए। भीड़, भीड़ से जो काम लिया जाता है, शेर सुनिएगा, इशारे में बात करती है गजल। कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया, हम वो बच्चे जो जवानी से अलग कर दिए गए। जंग लड़ने के लिए सीन में लाए गए हम। वाह। जंग लड़ने के लिए, जंग लड़ने के लिए सीन में लाए गए हम, अमन होते ही कहानी से अलग कर दिए गए। वाह 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 वाह, बहुत नवाजिश, बहुत नायत, बहुत शुक्रिया, वाह 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 वाह। जंग लड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया, बहुत नायत। जंग लड़ने के लिए सीन में लाए गए हम,
अमन होते ही कहानी से अलग कर दिए गए। हम वो अल्फाज जिन्हें ठीक से समझा न गया। हम वो अल्फाज जिन्हें ठीक से समझा न गया जब भी लिखे गए मानी से अलग कर दिए गए। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत, बहुत नवाजी। हम वो अल्फाज जिन्हें ठीक से समझा न गया जब भी लिखे गए मानी से अलग कर दिए। और ये शेर सुन लो मेरी जान बलिया, जब भी लिखे गए मानी से अलग कर दिए गए। पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन। पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन तैरना आया तो पानी से अलग कर दिए। अरे क्या शेर पढ़ दिए। वाह। ये मुकर्रर फिर से पढ़ दिया जाए इस शेर को। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन, तैरना आया तो पानी से अलग कर दिए गए। नाम बदले गए, नक्शों को मिटा डाला गया। नाम बदले गए नक्शों को मिटा डाला गया। शहर तारीखी निशानी से अलग कर दिए गए। वाह। बहुत नवाज। वाह। नाम बदले गए, नक्शों को मिटा डाला गया। शहर तारीखी निशानी से अलग कर दिए गए। तोता चश्मों से खरीदी गई तोता चश्मी। सुन के बताना बलिया, तोता चश्मी और तोता चश्मों। तोता चश्मों से खरीदी गई तोता चश्मी, आंख वाले निगेबानी से अलग कर दिए गए। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत इनायत। तोता चश्मों से खरीदी गई तोता चश्मी आंख वाले निगहबानी से अलग कर दिए गए। बहुत शुक्रिया। चिड़िया घर ने किया जंगल को नगर में आबाद। वाह। चिड़िया घर ने किया जंगल को नगर में आबाद, जानवर पानी के पानी से अलग कर दिए गए। वाह। चिड़ियाघर ने किया जंगल को नगर में आबाद, जानवर पानी के पानी से अलग कर दिए गए। कहीं दादी कहीं नानी से अलग कर दिए गए, बच्चे परियों की कहानी से अलग कर। वाह। एक और नई गजल का मतलब है कि यहीं से पहुंचेंगे आपके सवाल में नहीं रहे, जवाब से निकल गए। सवाल में नहीं रहे, जवाब से निकल गए। वो जो अजीम लोग थे किताब से निकल गए। वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। सवाल में नहीं रहे, जवाब से निकल गए। वो जो असीम लोग थे किताब से निकल गए। वाह। इसी सिलसिले का ये शेर है कि वो जो असीम लोग थे किताब से निकल गए। शेर सुनना जरा बारीक है, लेकिन मैं अपने सुनने वालों पर भरोसा करता हूँ, इसलिए अच्छी शायरी सुनाने की जरूरत करता हूँ मुशायरे में। सवाल में नहीं रहे, जवाब से निकल गए। वो जो अजीम लोग थे किताब से निकल गए। वो खुशबुओं की बात तो बहुत पुरानी बात है। वो खुशबुओं की बात तो
बहुत पुरानी बात है, नया ये है कि रंग भी गुलाब से निकल गए। वाह वाह वाह, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। वो खुश नया ये है कि रंग भी गुलाब से निकल गए। वो खुशबुओं की ही बात तो बहुत पुरानी बात है, नया ये है कि रंग भी गुलाब से निकल गए। नया ये है कि रंग भी गुलाब से निकल गए। शेर सुनना, करोड़ रुपए का शेर है, तोहफे में देना चाहता हूँ आपको। वो खुशबुओं की बात तो बहुत पुरानी बात है, नया ये है कि रंग भी गुलाब से निकल गए। उस एक चेहरे ने नजर पे इस कदर असर किया, उस एक चेहरे ने नजर पे इस कदर असर किया, कई हसीन शख्स मेरे ख्वाब से निकल गए। वाह 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 वाह। उस एक चेहरे ने नजर पे इस कदर असर किया, कई हसीन शख्स मेरे ख्वाब से निकल गए। बदन में उसके तर्ज थी, नजर में उसकी गीत थे। बदन में उसके तर्ज थी, नजर में उसकी गीत थे। वो जब गया तो सारे सुर रबाब से निकल गए। वाह वाह वाह। वो जब गया तो सारे सुर रबाब से निकल गए।